है वाइट सूट हम अपने। जय हिंद जय भारत। कहाँ जा रहे हो? सीतापुर का घर जा रहे हो घूमने? घूमने जा रहे बेटा। ये हेलमेट की का ले लेंगे? ये हेलमेट हमारे भैया का। तो यहाँ लगाई हो? लगाएंगे वो हमारा खराब हो गया। अच्छा कह मुझे रसगुल्ला दे, रसगुल्ला एक। अरे भूले जो इतना है आज दीवाना। हाँ सही बोले जात्रा। कहाँ तेरे राना वो सब निकल ली थी मैंने पतली गली थम्बा बजा। तो यहाँ पे मम्मी पापा जा रहे हैं बुआ के घर पे। और तो मम्मी का ये सूट कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। मम्मी का मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है सूट, अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि इस पर मम्मी कैसी लग रही हैं कैसी नहीं लग रही हैं। और ये हेलमेट ना मेरे बाबू का है, वही पापा कह रहे थे भैया का है क्योंकि पापा भैया बोलते थे उनको। तो मेरे पति का हेलमेट है ये। तो फिर चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे पापा लेके आए हुए थे धरती का फूल। तो फ्रेंड ये है धरती के फूल और इन्हीं को बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे मशरूम और धरती का फूल सेम होता है। तो धरती का फूल अलग होता है, मशरूम अलग होता है। मशरूम उगाया जाता है, धरती का फूल नीचे से धरती से निकलता है, ठीक है। और बहुत टेस्टी की सब्जी बनती है। तो आज हमारे वहाँ धरती के फूल की ही सब्जी बनने वाली है। और पापा सीतापुर से लेके आए हैं तो ये 700 रुपया किलो मिला है पापा को वहाँ पे धरती का फूल। तो बहुत सारे लेके आए हैं और तो वही हम लोग देख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने का मन था तो इस वजह से धरती का फूल। तो चलिए फिर इनको हम बनाते हैं। तो आज हम रेसिपी भी शेयर करेंगे धरती के फूल की। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक रहना। और जितने भी न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो यहाँ पे फटाफट सब्जी कट हो जाती है उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड पापा लेके आए सीतापुर से धरती का फूल, बहुत मुश्किल से मिले। तो हमारे घर में बनने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे एक साथ, इसलिए क्योंकि ये सुबह तक खराब हो जाते, इसमें कीड़े डल जाते हैं, इस वजह से हम एकदम से बना के रख लेंगे और मॉर्निंग में भी खा लेंगे, है ना। तो चलिए फिर बनाते हैं धरती का फूल। धरती का फूल बनाने के लिए हमने यहाँ पे मसाला भाभी ने तैयार करके रख दिया था। रेगुलर मसाले जो पड़ते हैं वो सारे मसाले हैं, सारे के सारे अच्छे से पीस के रख लिया गया है। और इसमें पड़ेगा चावल। चावल इसलिए आपको रेड लग पीला लग रहा है क्योंकि इसमें मसाला पीसा गया है इस वजह से। तो यहाँ पे धरती का फूल साफ कर लिया गया है और इनको अच्छे से, क्योंकि इसमें कीड़े भी हो जाते हैं तो उनको भी देख लिया गया है। तो बनाने जा रही थी मैं यहाँ पे धरती का फूल। तो ये सारे जितने भी रेगुलर मसाले होते हैं वो सारे के सारे मसाले हैं। थोड़ा सा चावल भिगो के उनको पीस लिया गया है, वो भी हम डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो चावल ही चावल का टेस्ट आएगा, धरती का फूल का नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़े से चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और जब मसाला मेरा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद इसमें धरती का फूल ऐड कर देंगे। पानी इसमें जाएगा नहीं क्योंकि पानी ये निकालता है। और तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, भाभी भी यहीं पे हैं, पूजा सूट कर रही हैं। फिर फटाफट खाएंगे धरती का फूल, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। और कौन कौन धरती का फूल खाता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग कैसे बनाते हो ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी बन जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और इतना टेस्टी लगता है ना, मशरूम से ज़्यादा टेस्टी धरती का फूल लगता है। हमारे मसाले अच्छे से हो गए थे, फिर हमने यहाँ पे फूल डाल दिए हैं सारे। और बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे दी धरती का फूल कैसा होता है और मशरूम धरती का फूल सेम होता है। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया सेम नहीं होता है, धरती का फूल अलग होता है, मशरूम अलग होता है। फिर थोड़े थोड़े करके मैंने इनको बाहर निकाल लिया, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे थे तो मैंने थोड़े से निकाल के रख लिए मॉर्निंग में बनाने के लिए, इसीलिए निकाल के रख लिए गए हुए हैं। और चलिए फिर
बने रहिए आप लोग, और न्यू आते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लास्ट तक रहना। और लास्ट की क्लिप 2 दिन की बात की है, ये पहले की क्लिप है और वो बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाले में इनको कवर कर दिया है और पानी ऐड नहीं करना, बस इनको ढक देना, पानी ये अपने आप से ही निकालते हैं, पक भी जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं जितने मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे वॉइस ओवर करने में ना तो चलिए देखते हैं चल के सब्जी हमारी कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, फिर हम आपको दिखाते भी हैं। तो अभी बनी रहिए फ्रेंड। गाइस धरती का फूल बन चुके हैं, हमने इसमें पानी नहीं डाला था और ये पानी खुद से निकालते हैं और कुछ ऐसी देखने में लग रही है, ये देखिए कट कट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो धरती का फूल हमारा बनके हो गया है तैयार। तो यहाँ पे मैं थाली लगा रही थी और खाने के लिए खाना, तो आ जाइए आप लोग भी। फिर नेक्स्ट डे ये मम्मी ने 2 सूट मंगाए थे, वो शायद मैंने सूट नहीं किया था, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। काफ़ी खूबसूरत सूट वो भी था और ये भी काफ़ी खूबसूरत सूट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मम्मी पे कैसा लग रहा है और अच्छा है सूट कि नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सूट, तो बनी रही है। गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी शाम का 7:30 हो गया है और बैठी हुई हूँ। कल से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ क्योंकि कल मेरे मोहल्ले में एक डेथ हो गई है, बिल्कुल पास ही में, और बहुत दुख हुआ है मुझे। छोटी सी बेटी है अभी उनकी, 3 लड़कियां, 1 लड़का, और अभी कोई उनकी एज भी नहीं थी कि वो इस दुनिया से चली गई हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिर मेरे मोहल्ले में ऐसा क्या हुआ है गाइस। 6 महीने से हर एक महीने में और महीने में किसी न किसी की डेथ ही हो रही है, और 6 महीने से हो रही है ऐसा, 6 महीने से ऐसा हो रहा है। वैसे 10-10 साल हो जाते थे, 5-5 साल हो जाते थे तब कहीं सुनने को मिलता था कि आज किसी की डेथ हो गई है, लेकिन हर महीने में दो दो लोग एक्सपायर हो रहे। बुखार में इतने लोग हमारे मोहल्ले में एक्सपायर हुए, फिर हर महीने में दो चार लोगों की डेथ हो रही है। अभी 15 दिन पहले एक लोगों की डेथ हुई थी और 15 दिन भी नहीं बीते हैं, फिर उन्हीं के परिवार में एक लोगों की आज, मतलब लेडीज की हो गई, कल हो गई थी। तो सोच के ना बहुत ज़्यादा खराब सा, बहुत दुखद हो रहा है कि आखिर ऐसा भगवान क्यों रूठे हुए हैं। मैं तो माता रानी के मंदिर गई थी आज, वहाँ पर मना यही मांग के आई हूँ कि माता रानी अपनी कृपया बनाए रखो, अब किसी को मत ले जाना, क्योंकि बड़ा डर सा लग रहा है यार, क्योंकि हर 15 दिन में ऐसा हो रहा है किसी न किसी की डेथ जरूर हो रही है। इतना बुरा समय चल रहा है, सभी लोग डरे हुए, सोचने में मजबूर हो गए हैं क्योंकि 6 महीने से लगातार हर महीने किसी न किसी की जान जा ही रही है, किसी न किसी की जान जा ही रही है। तो सोचने पर इंसान मजबूर भी हो जाएगा आखिर क्या हुआ ऐसा जो हर महीने कोई ना कोई एक्सपायर होता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो यही कह रही हूँ कि पूजा पाठ करवाओ और जिससे मोहल्ले में सुख शांति आए। मेरे मोहल्ले में इस टाइम पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है, इतना ख़राब सा लगता है कि लगता ही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, मैं बहुत रोई हूँ, पूरा दिन मेरा आज निकल गया है, परेशान ही रही हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची ना, उसका चेहरा देख के मुझे, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन दिल में उसके अंदर बहुत दर्द था। वो यही कह रही थी कि मेरी माँ, वो मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ होती तो मुझे छोड़ के क्यों जाती, मेरी मम्मी नहीं है वो, मेरी मम्मी होती तो मुझे अकेला यहाँ छोड़ के नहीं जाती। यार बच्चों से उनका बचपना छिन जाता है यार, और चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, 2 में से 1 बिछड़ जाते हैं तो तकलीफ तो होती ही है।
जब हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा तो उन पे क्या बीत रही होगी। बहुत परेशान हुए हैं। चलिए मैं रखती हूँ इस वीडियो को, एंड करती हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। आप लोगों को कुछ लग रहा हो तो राय बताना अपनी कमेंट सेक्शन में कि आखिर हमारे मोहल्ले में ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी जान जा रही है।